हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सूजी की मिठाई कैसे बनाई जाती है उसकी विधि बताते हैं। और प्लीज अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए, सबसे पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो हम सूजी की मिठाई बिल्कुल कम तेल में बनाने वाले हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी ये वाली मिठाई। तो मिठाई बनाने के लिए मैंने एक पाव सूजी ली है, सूजी मैंने बारीक वाली ली है। अगर आपके पास में मोटी वाली सूजी है तो आप उसको पीस भी सकते हैं। तो सूजी हम ये बड़े वाले, मैंने बड़ा वाला ये बाउल लिया है, इसमें हमें सूजी को डालना है। और ये मैंने लिया है पीसी हुई शक्कर, तो शक्कर डालेंगे। मीठा अपने अकॉर्डिंग का आप डाल सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालना है। सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो मैंने इलायची पाउडर डाला था इसमें ते मिक्स हो चुके हैं। और ये मैंने लिया है मिल्क एक गिलास, एक कटोरी मिल्क है, दूध है ये, तो दूध भी डालेंगे। और दूध हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है। और इसमें जो शक्कर है उसमें थोड़े से मसूरी है तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये मिठाई बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाली है। और जब भी आपका मिठाई खाने का मन करे तो अभी आप ये मिठाई तुरंत बना के खा सकते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो शक्कर और सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये मैंने दो चम्मच बड़े कोकोनट पाउडर लिया है तो ये भी डालते हैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे जो मिठाई का टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा आएगा। ये परफेक्टली अच्छे से मिक्स हो चुकी है सूजी हमारी, और पेस्ट भी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। पर पेस्ट को जितना आप गाढ़ा करोगे उतना ही सूजी फूलेगी, सॉफ्ट हो जाएगी सूजी। तो कम से कम इसको अगर 3 से 4 मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे तो हमारी सूजी परफेक्टली गाढ़ी हो जाएगी बिल्कुल फूल के। तो देख सकते हैं पहले से कितनी जो पेस्ट था वो कितना गाढ़ा हो चुका है। और मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच ही दूध के भी डाले हैं, दूध ही डाला है, ज्यादा दूध भी नहीं डाला है इसमें। और ये मैंने 2 बूंद फूड कलर लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो इसको भी हम डालते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इससे जो मिठाई का कलर होता है वो परफेक्टली बढ़िया अच्छा दिखता है, दिखने में ज्यादा अच्छी दिखती है मिठाई से। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है मिठाई बनाने के लिए। तो अब ये मिठाई हम अप्पा मेकर से बनाएंगे, जो उसमें बिल्कुल भी कम ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं होता, सिर्फ 2 बूंद ऑयल में हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने अप्पा मेकर लिया है, गैस मैंने ऑन कर दी है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालना है इस तरीके से, और देख सकते हैं कितना कम ऑयल इसमें यूज हो रहा है। तो हमें सभी में इस तरीके से ऑयल डाल लेना है। ये मैंने मिठाई को गोल शेप में हाथ में लेके गोल शेप में दे दिया है। अब इसको हमें अप्पा मेकर में इस तरीके से रखना है, और हमें सभी को इस तरीके से गोल करके और सभी में डालना है। और हमें इस टाइम में गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखना है। तो ये मैंने सभी में डाल दिया है। अब इसको हमें 5 मिनट के लिए बिल्कुल कम गैस पे ढक के और सेकना है, ताकि जो ये मिठाई है अंदर से भी अच्छे से सिक सके।
ये देख सकते हैं एक साइड से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है, तो मैंने इनको पलट भी दिया है। तो अब हमें इनको दूसरी साइड से सेकना है। तो ये मिठाई हमारी सीक चुकी है अच्छे से, पाँच से छः मिनट हो चुके हैं। इनको बिल्कुल कम गैस पे सेकें, तो देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रही है, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसको हमें निकाल के सर्व करना है। तो ये हमारी मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है और कितनी सिंपल तरीके से बनी है, बिल्कुल भी इसमें ऑयल भी बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। देख सकते हैं दोनों साइड से कितनी क्रिस्पी ये मिठाई सीख चुकी है, दोनों साइड से अच्छे से बिल्कुल अच्छे से सीख चुकी है। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी भी लग रही हैं और इसके अंदर भी बिल्कुल सॉफ्ट है ये मिठाई। तो हमारी सिंपल तरीके से ये मिठाई अगर आपको जब भी इच्छा करे खाने की आप खा सकते हैं। तो मैंने अलग से थोड़ी सी चाशनी बना रखी थी, तो इसको आप सजाने के लिए डाल सकते हैं। मीठा तो मैंने इसको पहले भी डाल दिया था, तो थोड़ा सा हल्का सा हम चाशनी डालेंगे। जितना भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से मीठा रख सकते हैं। मैंने इसके अंदर भी मीठा डाल दिया था। और जब भी आपका मीठा खाने की इच्छा करे आप जब भी बना के खा सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग तरीके का टेस्ट आएगा। ये हमारी सिंपल तरीके से मिठाई बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।